नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन शुरू करेंगे आपकी एक्सरसाइज है 3.6, यानी थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, वो अपन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपने विधियां तो थी, जो तीसरी पर्सनालिटी है दो चर वाले रेखिक समीकरण, उसके ऊपर जो सवाल थे वो अपन हल कर चुके हैं। चार विधियां थी और चारों अपन पढ़ चुके हैं। आज की जो सवाल है, ये जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी उससे अलग है। अलग कैसे कि इसमें आपको सवाल इस तरह से मिलेगा। देखो यहां पर थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 1/x + 1/y = 7, ये एक समीकरण है। वैसे देखा जाए तो ये रेखिक समीकरण नहीं है। दो चर वाले रेखिक समीकरण की बात करें तो ये रेखिक समीकरण नहीं है। तो पहले इसको रेखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? रेखिक समीकरण में इसको बदलना पड़ेगा। तो देखो रेखिक समीकरण में कैसे बदल सकते हैं इसको, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे माना, यानी इस तरह से मान लेंगे 1/x को हमने मान लिया u, या अपन चाहे आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, और 1/y की जगह हमने मान लिया v। देखो हमने क्या किया है, 1/x की जगह मान लिया u और 1/y की जगह मान लिया v। तो जो अपनी समीकरण बन जाएगी, अब जो समीकरण बनेगी वो किस तरह से बनेगी, देखो 1/x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं u, प्लस 1/y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/y की जगह v, और बराबर कितना है 7। तो ये जो समीकरण बनी है ना, ये है हमारी दो चर वाली रेखिक समीकरण। दो चर कौन कौन से हैं यहां पर, जो दो चर आए हैं वो एक तो है u और दूसरा है v, u तथा v, दो चर ये हैं, ठीक है। तो समीकरण आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको रेखिक समीकरण दो चर वाली में बदलना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसी आ जाए तो, जैसे मान लो इसकी दूसरी समीकरण ऐसे होती, जैसे 3/x - 2/y = 5, तो हमने यहां पर दोबारा से नहीं लिखना है समीकरण। ये पहली समीकरण थी हमारी दी हुई, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड। तो इससे हमने ये समीकरण जो बना दी, इसको हम समीकरण तीन कह देंगे, पहली समीकरण से हमने बनाई है। इससे जो बनाएंगे तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 1/x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/x। देखो 3 × 1 लिखो, वापस इससे गुणा करेंगे, देखें तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और बटे एक्स वापस बन जाएगा। ये हमने क्यों लिखा अभी आपको बता देते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/y = 5। अब आप ही अपने क्या कहा है, 1/x की जगह क्या लिख सकते हो, 3 की जगह 3, 1/x की जगह हमने क्या माना है u, तो 3 के साथ क्या आ जाएगा u, -2। 1/y की जगह हमने माना है v, तो हम इसको लिख देंगे v, और बराबर 5। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 2। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, पहले दोनों रेखिक समीकरण बनाएंगे एक चर वाली, और उसके बाद में अब क्या है हमारे पास समीकरण, ये 2 नहीं है, ये समीकरण 4 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस समीकरण को क्या करना है, दोनों विधियां जो समीकरण 3 और 4 है इसमें अपन लगाएंगे, जो भी विधि है अपने पास, चारों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं, उससे आपको हल करना है। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, जहां तक संभव हो सके अपन जो अपने लिए सबसे सही विधि होगी, यानी ज्यादातर अपने 3 विधियों का उपयोग करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणा विधि। सबसे ज्यादा 2 ही महत्वपूर्ण है अपनी, प्रतिस्थापन और विलोपन, और सबसे महत्वपूर्ण एक विधि माने तो सबसे ज्यादा सवाल अपन विलोपन विधि से करेंगे, ताकि उसको आसानी से कर पाए। तो ये तो था इसका बेसिक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब शुरू करते हैं इसके पर्सनालिटी का एक एक सवाल। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सवाल को अच्छी तरह समझने के लिए पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसको पूरा ध्यान देंगे तभी सवाल को समझ पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, यानी पहले बदलना है और फिर उसको हल करना है, बदल कर हल कीजिए। पहले इनको क्या करना है, रेखिक समीकरण में आपको बदलना है। देखो लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को, अब यहां पर यह नहीं लिखा है कि ये रेखिक समीकरण है, निम्न समीकरणों को इसमें बदलना है, ठीक है। तो देखो यहां पर अपन बात करें पहली की, ये हमारी समीकरण नंबर 1 कह दिया इसको, और ये हमारी समीकरण नंबर 2 कह दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो बटे में x आ रहा है, तो अपन यहां पर लिखेंगे माना 1/x बराबर क्या मान लेंगे u, तथा 1/y = v। हमने 2 मान लिया, 1/x की जगह अपन u रखेंगे और 1/y की जगह क्या रखेंगे v रखेंगे,
ठीक है, मान रख दो। तो पहले अपन रखते हैं समीकरण एक के अंदर, तो समीकरण एक में देखो क्या हो जाएगा, एक देखो यहां पर एक बट्टे दो है, तो एक बट्टे दो ऐसे ही रहेगा और इसके साथ लगा देंगे यू। आपको मैंने क्या बताया, यहां पर क्या लिख सकते हैं, इस एक बट्टे दो को आप गुणा में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर इसको कैसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बट्टे दो गुणा एक बट्टे एक्स। तो इसकी जगह तो हमने रख दिया यू और एक बट्टे वी, एक बट्टे दो ऐसे कैसे पड़ा है। फिर बीच में लगाया प्लस, यहां पर हमने लिखा एक बट्टे तीन और यहां पर लिखा वी और बराबर कितना है दो। ठीक है, अभी तक ये सरल समीकरण नहीं है, ये क्या नहीं है सरल समीकरण। अपनी जो समीकरण बननी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, सरल समीकरण। तो यहां पर देखो इसके बट्टे में दो आ रहा है, इसके बट्टे में तीन आ रहा है, तो दो और तीन का लघुतम कितना होता है छह। तो अपन क्या करेंगे, छह से गुणा, देखो छह से गुणा कर देते हैं इस समीकरण को छह से। तो देखो छह से गुणा करेंगे तो क्या होगा, छह गुणा एक बट्टे दो यू प्लस छह गुणा एक बट्टे तीन वी बराबर छह गुणा दो। देखो पूरी समीकरण में, इसके साथ भी छह गुणा में लगा दिया, इसके साथ भी, दूसरे पद इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो कट जाएगा, दो एकम दो, दो तीन छह, इसी तरह ये कट जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह और ये गुणा होगी। तो हमारे पास जो पहली समीकरण बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखो यहां पर हमने क्या बचा है, तीन बचा है और यू बचा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, तीन यू प्लस, बीच में प्लस है, यहां पर दो बचा हुआ है और वी बचा हुआ है और बराबर छह को दो से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, बारह। ये हमारी समीकरण नंबर तीन आ गई। पहली समीकरण को हमने दो चर वाली रेखीय समीकरण में बदल दिया है। अभी तक दोनों समीकरणों को पहले रेखीय समीकरण में बदलना है दो चर वाली। अब अपन लेते हैं दूसरी समीकरण का मान लेते हैं इसके अंदर, तो यहां पर देखो क्या होगा, और एक बट्टे तीन इसके साथ लगाएंगे यू। देखो यहां पर एक बट्टे तीन है, एक बट्टे एक्स की जगह क्या रख दिया यू, यहां पर एक बट्टे दो प्लस एक बट्टे दो और इसके साथ भी और बराबर कितना है तेरह बट्टे छह। इसमें देखो तीन आ रहा है भाग में, दो आ रहा है और छह आ रहा है, तो तीन दो और छह का लघुतम कितना होता है छह होता है, तो इसमें भी क्या कर देते हैं छह की गुणा कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, छह गुणा एक बट्टे तीन यू प्लस छह गुणा एक बट्टे दो बी प्लस तेरह बट्टे छह गुणा, या इसको भी छह से गुणा करें छह गुणा, देखो हमने पूरी समीकरण में फिर से छह की गुणा कर दी क्योंकि तीनों का लघुतम सरल समीकरण बनाने के लिए किया है। तो तीन एकम तीन, तीन दुनी छह, ये आ जाएगा दो एकम दो, दो तीन छह और ये छह से छह कट हो जाएगा। हाँ देखें दो बचा हुआ है और यू बचा हुआ है, तो क्या आ जाएगा यहां पर दो यू प्लस, यहां क्या बचा हुआ है तीन और वी बचा हुआ है, बराबर में क्या बचा हुआ है तेरह। ये हमारी समीकरण नंबर आ गई चार। देखो छह से छह कट गया, सिर्फ तेरह बचा हुआ। तो अब हमारी दोनों रेखीय समीकरणें बन चुकी हैं। अभी तक आपको क्या दिया हुआ था, ये दोनों समीकरण x और y के रूप में दी होती थी, अब हमने खुद इसको बनाई है u और v के रूप में। अब क्या करेंगे, इस समीकरणों को अपन जो मर्जी है उस विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन यहां पर x या y दोनों को, एक को हल करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं दोनों समीकरणों को लिख देते हैं, तीन यू प्लस दो वी बराबर बारह और दो वी प्लस तीन यू बराबर तेरह। तो पहली समीकरण है तीन यू प्लस, और ये समीकरण नंबर तीन है हमारी, और ये है चार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, u या v दोनों को एक को बराबर करना है। तो अपन यहां क्या करते हैं, v को बराबर कर लेते हैं। यहां v के साथ इसके साथ गुणा में कितना है, देखो ये v के साथ दो गुणा में है, ये तीन गुणा में, यानी तीन को इससे गुणा कर दो, दो को इससे गुणा कर दो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण तीन को तीन से गुणा तथा समीकरण चार को दो से गुणा, और गुणा करने के बाद में अपन इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे वो देख लो। तो दोनों के आगे एक जैसा तीन है तो घटाएंगे, गुणा करके
घटाने पर। देखो गुणा भी यहां करेंगे घटाएंगे भी, तो पहले गुणा कर लेते हैं, यानी इस समीकरण में पूरे में तीन की गुणा करनी है, ध्यान रखना। तो तीन को तीन से गुणा करेंगे तो 9u प्लस, ये प्लस है बीच में, तीन को दो से गुणा करेंगे 6v बराबर, तीन को 12 से गुणा करेंगे 12 तीन 36, ये हमारी समीकरण एक और बन चुकी है। चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 5 दे सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को दो से गुणा करनी है, तो दो को दो से गुणा करेंगे 4u प्लस, दो को तीन से गुणा करेंगे 6v बराबर, दो को 13 से गुणा करेंगे 26, ये हमारी समीकरण नंबर 6। और हमने कहा इसको गुणा करने के बाद में घटा भी देंगे, तो अब यहां पर घटा भी देते हैं। देखो समीकरण को तीन को हमने तीन से गुणा किया, ये तीन नंबर समीकरण थी, इसको तीन से गुणा कर दिया, और ये दो वाली थी। देखो ध्यान रखना, ये नीचे जो अंक आ रहा है ना उसको ऊपर वाली से गुणा करना है, और ऊपर वाला अंक है उसको नीचे वाली समीकरण से गुणा करना है। ऐसा नहीं कि इसको दो से गुणा किया है, फिर अपना सवाल सही नहीं होगा। हाँ तो पहले अपन करते हैं इसका चिन्ह चयन, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब देखो ये 6 किसका है, प्लस का, ये 6 माइनस का। अब ये चिन्ह नहीं आगे इसका कौन सा है, ये देखो 9u, ये माइनस का 4u हो गया, अब इसके आगे माइनस है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5u, ये तो कट गया बराबर में। देखो 36 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है। अब u बराबर निकले तो u बराबर कितना हो जाएगा 10/5, ये 5 इधर आएगा तो भाग में, तो कितना आ जाएगा 10 में 5 का भाग देंगे तो 2, तो u बराबर आ गया हमारे पास 2। अब जो u बराबर 2 आया है वो समीकरण 3 में रख लो या 4 में, समीकरण 3 या 4 दोनों में से एक में रख के हल करेंगे। तो हमने क्या किया है, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो तीन समीकरण कौन सी थी, ये रही 3 गुणा u का मान है ना, u का मान 2 है, तो 3 गुणा 2, 2 कहां से आया, u का मान हमने निकाल लिया, इसकी जगह हमने 2 रख दिया, प्लस 2v बराबर 12, तीन को दो से गुणा किया 6 प्लस 2v बराबर 12, 6 को इधर ले दो, 6 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2v बराबर कितना आ गया 12 में से 6 जाएगा तो 6, और v बराबर कितना आ जाएगा 6/2, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, यानी v बराबर कितना आ गया 3। थोड़ा सा बड़ा सवाल है ध्यान रखना, तो u और v का मान आ गया, अपने को u और v का मान नहीं पूछा है, हमने क्या अपने को क्या पूछा है x और y का। तो अब अपन क्या करेंगे, x और y का मान कैसे निकालेंगे, u बराबर आ गया हमारा 3, देख लेते हैं दोबारा से u का कितना मान आया है, u का आया है 2 और v का 3, u का मान है 2 ठीक है, और u बराबर क्या माना था 1/x, ये क्या किसके बराबर मान रखा है, यानी u बराबर हमने माना था 1/x को, u माना था 1/x को ही माना था, यानी इसके बराबर 2 है। अब अपने को तो x का मान चाहिए, तो x को क्या करेंगे यहां पर लेके जाएंगे इसके साथ। देखो मैं यहां पर हल कैसे कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखें, 1/x बराबर है 2 ठीक है, एक मैं समझा देता हूं, 2 बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लिया। अब वजर गुणा कर लो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो एक्स को मैंने 2 से गुणा किया तो 2x, एक को एक से गुणा किया तो एक, अब मुझे एक्स का मान चाहिए तो 1/2, 2 इधर आएगा तो भाग में, ये हमारा क्या गया x का मान आ गया ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर याद रखो तो 1/x बराबर 2 है ना, और आपको इससे x का मान निकालना है, तो इधर की संख्या को उलट दो और इधर की संख्या को भी उलट दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लगा लो। अब इधर की संख्या को मैंने उलट दिया तो ये हो गया x/1, x/1 का मतलब क्या होता है 1x, और ये 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2, ये शॉर्ट तरीका है सीधा निकालने का तरीका ठीक है। और दूसरा इसी तरह y का मान कैसे निकालेंगे, अभी देखें y का मान, तो हमारा v का मान आया था, v बराबर हमने 1/y माना था, जिसका मान आया है 3, जिसका मान कितना है 3, तो इसके बट्टे में भी कुछ नहीं, एक, दोनों को उलट दो तो y बराबर कितना जाएगा, y/1 लिखो या बट्टे में 1 मत लिखो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो y बराबर कितना जाएगा 1/3, 3/1 को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ये हमारा किसका मान हो गया y का मान, किसका हुआ है y का मान। दोबारा से देख लो भाई सवाल को, अच्छी तरह समझ लेना, बहुत दिक्कत कर सकता है आपको, सबसे पहले आपको सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है, क्या करना है, क्या वो रैखिक समीकरण है या नहीं है दो चर वाले, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे,
ए दो चर वाली रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो हमने पहली समीकरण को क्या करना, कैसे बदलना है कि हमने जो बटे वाली संख्या एक बटे एक्स इसको यू मान लिया और एक बटे वाई को वी मान लिया और ये मान हमने समीकरण एक और दो दोनों में रख दिए। जैसे ही रखेंगे फिर अगर मान लो कोई बटे में संख्या आ रही है तो उसको हटाने के लिए अपन कोई संख्या की गुणा कर दें जो उसका लघुतम है। तो इस तरह से हमने गुणा करके ये अगली समीकरण पहली समीकरण से ये समीकरण निकाली और दूसरी समीकरण से हमने ये समीकरण निकाली। अब ये जो समीकरण है ना ये वाली और ये वाली ये दोनों ही दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसके अंदर चर कौन से हैं, यू और वी दो चर हैं, ठीक है। इसको अब आप चाहे कोई सी विधि से ग्राफिक विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे फिर आप विलोपन विधि से करो, चाहे आप वज्रगुणा विधि से करो। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आप लगाओ विलोपन विधि। तो हमने दोनों समीकरण लिखी उसको विलोपन विधि के लिए पहले या तो x को बराबर करते हैं या y को बराबर करते हैं। तो हमने यहां पर x और y की जगह क्या है, u और v है, तो हमको v बराबर करना है यहां पर। तो v हमने बराबर कर लिया कि समीकरण तीन को तीन से गुणा किया और समीकरण चार को दो से गुणा किया, यहां पे किससे दो से गुणा किया है और फिर उसको घटा दिया है, समीकरण तीन में से चार घटा दिया। तो हमने पहले गुणा की और फिर इसको घटा दिया, तो इसको घटाते हमारे पास u का मान आ गया। u का मान हमने समीकरण तीन में रखा तो जिससे हमारे पास v का मान आ गया। ये तो अभी u और v के मान हैं, जबकि निकालने किसके हैं, x और y के, क्योंकि u और v समीकरण सवाल में थोड़ी दिए हुए थे, ये तो हमने माने थे। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि u बराबर एक बटे एक्स था, हमने माना था ना u एक बटे एक्स बराबर किसको मान लिया था, u को, यानी u की जगह अब कितना है, u का मान आया है हमारे पास दो। तो इसको अंकों को उलट कर हम u x का मान निकालेंगे और इसी तरह v का मान जो है उससे एक बटे वाई बराबर रख के और y का मान निकाल लेंगे। तो ये था हमारा इसका पहला सवाल, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो अपन दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, इसको समझते हैं दूसरे सवाल को। ये भी उसी तरह का सवाल है, देखो ये हमारी समीकरण नंबर एक है, ये हमारी समीकरण नंबर दो है, लेकिन दोनों ही ध्यान रखें दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले इसको रैखिक समीकरण बदलेंगे, तो लिखेंगे माना एक बटे अंडर रूट एक्स बराबर यू मान लिया तथा एक बटे अंडर रूट वाई बराबर बी मान लिया। देखो अंडरूट के अंदर है, दो बटे में संख्या थी ना एक बटे अंडरूट एक्स, तो इसी को ही हमने यू माना है और एक बटे अंडरूट वाई को वी माना है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये समीकरण एक और दो में रख देंगे, तो इससे हमारी समीकरण एक क्या बन जाएगी, समीकरण एक, तो समीकरण एक बनेगी। देखो दो, ये ऊपर दो पड़ा है ना, ये मैंने आपको समझाया था दो बटे अंडरूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है दो गुणा एक बटे अंडरूट एक्स, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसकी जगह तो अपन यू लिख देंगे और दो गुणा में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, तो ये दो पड़ा है दो के गुणा में u प्लस यहां पर तीन, एक बटे अंडरूट वाई को क्या लिखेंगे v बराबर कितना है दो, ये हमारी होगी समीकरण नंबर तीन। इसी तरह इसको बदल लेते हैं तो ये आ जाएगा चार u, देखो चार है और एक बटे अंडरूट एक्स को लिखा, बीच में माइनस है तो माइनस, देखो ये माइनस है थोड़ा गया, नौ वी बराबर माइनस एक, ये हमारी होगी समीकरण नंबर चार। किसको बराबर करोगे बताओ, इसको और इसको, देखो यहां पर कितना है 9v है, यहां पर 3 है, तो हम क्या करें बताओ, यहां पर देख लो इसको 3 से गुणा, इसको 9 है साथ में, इसमें v के साथ कितना है 3, इसमें 9, आपस में कट रहा है क्या, ये आपस में भी कट रही है, तो काट सकते हैं 1 और 3, यानी इस वाली को सिर्फ आप क्या करो 3 से गुणा कर दो। इससे वैसे तो 1 से गुणा करनी है लेकिन 1 से गुणा करने का मतलब नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इसको सीधा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण तीन को तीन से गुणा करके इसमें से समीकरण चार को घटाने पर, समीकरण तीन को तीन से गुणा करते हैं फिर इसमें से समीकरण चार को घटाते हैं। तो ध्यान से देखें यहां पर किस तरह से करना है, तो दोनों समीकरण है, पहले इसको समीकरण को तीन से गुणा करो, तो तीन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन दुनी छह यू प्लस तीन तीन नौ वी, देखो इसको तीन से गुणा किया तो तीन दुनी छह, इसको तीन से गुणा किया तो नौ, इसको तीन से गुणा करेंगे तो तीन दुनी छह, ये हो गया।
अब चौथी में तो कोई है नहीं, एक से गुणा करनी है और एक से यानी यही समीकरण वापस लिखेंगे। तो 4u-9v बराबर माइनस का एक। अब यहां पर आपने देखो जोड़ने या घटाने पर, देखो यहां प्लस है यहां माइनस है तो जोड़ेंगे नहीं, यहां घटाएंगे नहीं, जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, घटाने पर तो गलत हो जाएगा। तो घटाने पर तो चिन्ह चेंज करना होता है, लेकिन जोड़ने पर देखो पहले से प्लस माइनस है तो सीधा ही कट जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। 6 और 4 कितने हो गए? 10u बराबर, यहां देखो एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा कितना आ गया 5। यू बराबर कितना आ जाएगा? 5/10, यानी 5 में 10 का भाग दोगे तो 1/2। ध्यान रखना ऊपर 5 आएगा नीचे 2 आएगा, 1/2 ही लिखेंगे। U बराबर है 1/2, जब ऊपर 1 हो तो लिखना जरूरी होता है। अब क्या करेंगे? U बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 कौन सी है? ये भी U की जगह 1/2 रखना, पहले 2 लिखा ये लिख दिया, इनटू U की जगह हमने 1/2, ये तो दो इस सवाल वाला यहां पर समीकरण वाला लिखा है, इस U की जगह हमने 1/2 लिखा, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। प्लस 3v बराबर 2, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा है? 1, 1 को इधर भेज दो तो 3v बराबर 2-1, 2-1 कितना बचेगा? 1, तो v बराबर कितना आ जाएगा? ये इसमें से घटाया तो 1, ये 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो 5, ये v का मान आ गया। तो हमारे पास u और v का मान आ गया, लेकिन u और v का नहीं है, हमें को अपने को किसका मान निकालना है? x और y का। तो देखो x और y का कैसे निकालेंगे, u बराबर आया है हमारे पास 1/2 और v का मान आया है हमारे पास 1/3। अब लिखें तो 1/√x बराबर कितना है? 1/2। ध्यान से समझना यहां पे, अब अपन उल्टा करेंगे ना तो यहां x नहीं रहेगा, क्या रहेगा? अंडर रूट x, और यहां क्या आएगा? 2/1 का मतलब देखो यहां पे वास्तव में तो ऐसे हुआ है, अंडर रूट x बटे 1 बराबर 2। आपको मैंने कहा ना x का मान निकालना है, तो इसको उलट दो, x ऊपर चला जाएगा, इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, बटे वाला 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को तो अंडर रूट x का थोड़ी निकालना है, x का मान निकालना है। ध्यान रखिए जब अंडर रूट इधर जाता है ना तो सामने वाली संख्या का हो जाता है स्क्वायर, 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। दूसरा मान निकालते हैं, हमने ये कहा था कि v बराबर कितना है? 1/3, और v की जगह हमने माना था 1/√y। ठीक है, फिर से उल्टा करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा अंडर रूट का वाई बराबर 3। देखो इधर भी उलट दिया, इधर भी उलट दिया। अब अपने को तो वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। तो वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा? 9। वाई का मान कितना आ जाएगा? 9। देखो कैसे निकालते हैं, देखो आपको पता है पक्षांतर करते हैं तो प्लस को बराबर के इधर ले जाते हैं तो माइनस, माइनस को बराबर के इधर ले जाते हैं तो प्लस, अगर कोई संख्या इधर गुणा में इधर जाएगी तो भाग में, अगर इधर भाग में उधर जाएगी तो गुणा में, और यदि संख्या इधर अंडर रूट के अंदर है उधर जाएगी तो वो स्क्वायर में हो जाएगी, और इधर स्क्वायर में है उसको उधर भेजेंगे स्क्वायर को तो वो अंडर रूट में हो जाएगी। ये पक्षांतर के नियम है, अच्छी तरह ध्यान रखना। ठीक है, पक्षांतरण करते हैं तब ऐसा करते हैं अपन। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं या कुछ भी आप मान सकते हैं, नियम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पक्षांतरण, तो देखो हमने क्या किया है, अंडर रूट को जब भी इधर भेजा तो सामने वाली संख्या का स्क्वायर होगा, अंडर रूट इधर जाएगा तो उसका स्क्वायर, जैसे प्लस की संख्या को इधर भेजते हैं तो माइनस होता है ना, वैसे अंडर रूट का। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा सवाल, इसको भी दोबारा से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको समीकरण से जो दे रखी है उसको दो चर वाली रैखिक समीकरण में बदलना है। तो उसको बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर 1/√ अंडर रूट में एक्स आ रहा था बट्टे में, और यहां अंडर रूट में वाई आ रहा था, यहां पर भी देखो एक्स आ रहा है, यहां पर भी वाई आ रहा है अंडर रूट के अंदर। तो हमने क्या किया, 1/√x को संख्या साथ में नहीं लेंगे, 1/√
अंडर रूट एक्स को यू मान लिया और एक बटे अंडर रूट वाई को वी मान लिया, और फिर ये दोनों मान समीकरण में रखे, तो पहली समीकरण में रखा तो ये समीकरण बन गई, दूसरी समीकरण में रखा तो ये बन गई। अब अपन सीधा सा विलोपन विधि हमने सीख रखी है। अब ये है हमारी दोनों दो चर वाली रेखीय समीकरण, यहां से सवाल स्टार्ट होता है, जो पहले अपने एक्स और वाई में हो रहा था यहाँ यू और बी में हो रहा है, यहां से सवाल हमने स्टार्ट किया, विलोपन विधि लगाई और यू और बी का मान निकाल लिया, ये हमारा यू का मान है ये वी का मान है, लेकिन सवाल तो यहां वाला हुआ है ना, अभी तक तो अपने को सवाल में तो एक्स और वाई दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चलेंगे। यहां पर हमने ये कहा है कि यू बराबर एक बटे दो है, और यू बराबर हमने क्या माना था, एक बटे एंड रूट एक्स, यू बराबर एक बटे एंड रूट एक्स माना था ना, ये रहा एक बटे एंड रूट एक्स बराबर यू, ठीक है, तो इसकी वजह से हमने क्या किया है, इसके बराबर लिखा। अब आपको मान निकालने के लिए दोनों तरफ मान उल्टे कर दिए, तो इससे अंडर रूट एक्स का मान आ गया, लेकिन अपने को एक्स का मान निकालना है, तो अंडर रूट को इधर भेजा तो स्क्वायर, और इधर सामने जो भी संख्या उसका स्क्वायर कर दो, ये एक्स का मान आ गया। इसी तरह वी बराबर एक बटे तीन था, तो वी का मान एक बटे वाई, इससे हमने निकाला, तो इससे अंडर रूट वाई का मान निकाला, तो तीन, और अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो सामने वाली संख्या का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर कितना हो गया नौ, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला और दूसरा सवाल, ठीक है, इन दोनों सवालों को आप खुद करके जरूर देखिएगा, क्योंकि थोड़े से बड़े सवाल हैं, ठीक है, क्योंकि पहले इसको रेखीय समीकरण दो चर वाली में बदलना पड़ता है, उसके बाद में अपन इसको हल करेंगे, और फिर जो यू और वी के मान आएंगे उस यू और वी के मान से वापस से अपने को एक्स और वाई के मान निकालने हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आप इन दोनों सवालों को अच्छी तरह कीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट वाले सवाल देखेंगे, वो भी इसी तरीके से देखेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।